हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी सी आई बी और बैंक प्रमोशन के संबंध में हम यहाँ बात कर रहे हैं। सीआईबी का बीएफएम का क्वेश्चन बैंक नंबर टू है। पहला सवाल देखिए, वाई एक्सचेंज रेट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरन करेंसी आर मोस्ट अनफेवरेबल। बोलते हैं क्यू एक्सचेंज रेट जो होता है परचेज और सेल का फॉरन करेंसी का ज्यादातर अनफेवरेबल होता है। ए ऑप्शन है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ करेंसी है, बी ऑप्शन है बैंक डज नॉट गेट एनी एक्सचेंज कमीशन, सी ऑप्शन है बैंक रन्स द रिस्क ऑफ काउंटरफिट करेंसी, डी ऑप्शन बोथ ए एंड सी, ई ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। सही ऑप्शन है ए, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट होता है जहां आप परचेज कर रहे हैं सेल कर रहे हैं फॉरन करेंसी का, ज्यादातर अनफेवरेबल इसलिए होता है कि होल्डिंग कॉस्ट जो होता है करेंसी का ज्यादा हाई होता है। बोलता है इन इंडिया विच टाइप ऑफ करेंसी इज इन इंडिया विच टाइप ऑफ रेट इज अप्लाइड, भारत में कौन सा रेट अप्लाई होता है। ए ऑप्शन डायरेक्ट रेट, बी ऑप्शन डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है फिक्स्ड रेट, डी ऑप्शन है वेरिएबल रेट, ई ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए डायरेक्ट रेट। क्वेश्चन नंबर थ्री है, इन इंडिया एक्सचेंज रेट आर डिसाइड बाय हुम, भारत में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है। ए ऑप्शन आरबीआई, बी ऑप्शन एफडीएआई, सी ऑप्शन आईबीए, डी ऑप्शन मार्केट फोर्सेस, सी ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है डी मार्केट फोर्सेस। भारत में जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड करने वाली मार्केट फोर्सेस है, ना कि आरबीआई, ना कि एफडीआई, ना आईबीआई, यानी याद रखिएगा मार्केट फोर्सेस इसको डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट को भारत में। क्वेश्चन नंबर फोर, द कोटेशन यूएस डॉलर वन इक्वल टू रुपीज 44.40 टू रुपीज 44.50 ये क्या है। ठीक है, ये पूछ रहे जो कोटेशन आते हैं डॉलर बराबर 44.40 या 44.50, ये जो रेट अगर दिया है इसको क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है एवरेज रेट, बी ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, सी ऑप्शन है डायरेक्ट रेट, डी ऑप्शन है क्रॉस रेट, ई ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। सही ऑप्शन है सी डायरेक्ट रेट। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रिएटेड बिफोर द पेमेंट टू द टेंडरर ऑफ फॉरन एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलता है जहां पर नोस्ट्रो बैंक अकाउंट होता है, जहां नोस्ट्रो अकाउंट होता है बैंक का, उसको क्रिएट किया जाएगा जो फॉरन एक्सचेंज का जब टेंडर करते हैं पेमेंट करते हैं, कौन सा रेट अप्लाई होता है। ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन टीटी सॉरी बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा ए टीटी बाइंग रेट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हेन नोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द बैंक इज क्रिएटेड लेटर देन द पेमेंट टू द टेंडर ऑफ फॉरन एक्सचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलता है जहां पर नोस्ट्रो बैंक अकाउंट होता है जिसको क्रिएट किया जाता है बाद में, जहां पेमेंट किया जाता है टेंडर को फॉरन एक्सचेंज के साथ, यहाँ कौन सा रेट अप्लाई होगा। ए ऑप्शन टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन टीटी बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा बी बिल्स बाइंग रेट। क्वेश्चन नंबर सेवन है, व्हेन देयर इज आउटवर्ड रेमिटेंस एंड हैंडलिंग ऑफ इंपोर्ट बिल्स इज इन्वॉल्व्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स विल बी अप्लाइड। बोलते हैं जहां पे आउटवर्ड रेमिटेंस होता है और हैंडल किया जाता है इंपोर्ट बिल्स को जो कि इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे कौन सा रेट अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है टीटी बाइंग रेट, बी ऑप्शन है बिल्स बाइंग रेट, सी ऑप्शन टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। सही ऑप्शन है डी बिल्स सेलिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन देयर इज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट इंपोर्ट बिल्स आर नॉट हैंडल्ड विच रेट विल बी अप्लाइड। बोलते हैं जहां पे सेल किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज को पर इंपोर्ट बिल्स हैंडल नहीं किया जाता है, जहां पे सेल किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज को पर वहां पे इंपोर्ट बिल्स अगर हैंडल नहीं होता है कौन सा रेट अप्लाई होगा। ए ऑप्शन है क्लीन सेलिंग रेट, बी ऑप्शन है चेक सेलिंग रेट, सी ऑप्शन है टीटी सेलिंग रेट, डी ऑप्शन है बिल्स सेलिंग रेट। सही ऑप्शन हो जाएगा सी टीटी सेलिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है। ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन सेबी, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ई ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। तो फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को एडमिनिस्ट्रेट करने वाली कौन सी बॉडी है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी बोथ ए एंड बी, यानी आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए लाइसेंस टू डील इन फॉरन एक्सचेंज टू ऑथोराइज डीलर्स इज इशूड बाय। जो लाइसेंस देते हैं फॉरन एक्सचेंज को डील करने के लिए ऑथोराइज डीलर्स को, ये इशू कौन करती है। ए ऑप्शन डीजीएफटी, बी ऑप्शन एफडीआई, सी ऑप्शन आरबीआई, सी डी ऑप्शन है एक्सिम बैंक, ई ऑप्शन बोथ ए एंड सी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी आरबीआई हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, जो फॉरन एक्सचेंज में आपको लाइसेंस मिलता है ऑथोराइज डीलर का कौन इशू करता है, आरबीआई। यहाँ पे प्रॉपर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं, जैसे वीडियो लीजिए कोर्सेज होगा, केस स्टडी नंबर का वीडियो होगा, 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक होगा, सुपर नोट्स होगा, क्विक रिवीजन नोट होगा, एडिशनल मटेरियल होगा, दिस मॉक टेस्ट होंगे। यहाँ दो तरह के सीआईबी के कोर्सेज है, एक पीपीटी वीडियो कोर्स जिसमें सीआईबी का एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 800 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 2000 रुपये। अगर फेस टू फेस वीडियो कोर्स करते हैं सीआईबी का, जिस जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल कोर्स है और सबसे ज्यादा सेलिंग वाला भी कोर्स है, इसमें सीआईबी का एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 1500 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे उसका दाम 2700 रुपये, सीआईबी का एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे उसका दाम 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127, दूसरा नंबर 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा cnm123@gmail.com।